जी, मेरा अनुराग सर से सवाल है। सर यहाँ पे शूद्र की बात की जा रही है, तो अगर हम वैदिक एजा में देखें कि जहाँ पे शूद्र को भगवान के चरणों से निकला हुआ बताया गया है, और हम भगवान का माथा नहीं छूते, हम चरण पूछते हैं, यानी कि शूद्र को पैरों की उत्पत्ति बताई गई है भगवान के चरणों की। लेकिन अभी मैं पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो समय था वैदिक एज के बाद का, इसको इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया गया कि शूद्र सबसे नीचे हैं, लेकिन नहीं, उनको भगवान की धूल बताई गई है। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों की धूल बने।